आज के इस दौर में हर कोई बढ़ती महंगाई से परेशान है। ऐसे में हर कोई एक्स्ट्रा की कमाई करना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अशित जालवी, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा। वैसे तो एक्स्ट्रा कमाई के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिनके बारे में जानकारी के लिए मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, तो उसको भी आप पहला आई बटन दबा के देख सकते हैं। हम सभी एक्स्ट्रा इनकम तो चाहते हैं, पर सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द कमाएं, जो बहुत ही डेंजरस है। जल्दबाजी इन्वेस्टमेंट में बहुत डेंजर है। ऐसे में एक बेस्ट ऑप्शन जो हमें नजर आता है वो है शेयर मार्केट, पर आम आदमी हमेशा से शेयर मार्केट से डरता है। मैं भी आज 20 साल पहले बहुत डरता था, लेकिन स्टडी करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करके अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, किस तरह से आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो। जीरो नॉलेज से लेके अब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि कौन से शेयर में पैसे लगाए। वैसे तो शेयर मार्केट को हमेशा से रिस्की ही कहा गया है, और है भी रिस्की। अगर आप जानकारी ले ले तो कुछ भी रिस्क नहीं है, लेकिन हम यह सुनते आए हैं कि जहां रिस्क है वही मुनाफा है। नो रिस्क नो गेन। और ऐसे में शेयर मार्केट से ज्यादा मुनाफा कहीं और नहीं है। वैसे तो शेयर मार्केट में पैसे लगाना भी हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ टिके रहने के लिए आपको काफी अनुभव की जरूरत है। यह बात तो हमेशा सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना काफी मुश्किल काम है। शेयर मार्केट में आने वाले अप्स एंड डाउन्स आम आदमी के समझ से बिल्कुल बाहर है। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स इस बारे में जरूर जानते हैं कि पैसे कब कैसे कमाना है, लेकिन आम आदमी नहीं। हालांकि मार्केट में दिखने वाले प्रॉफिट से आम आदमी आकर्षित जरूर होते हैं। ऐसे में शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं, कैसे मुनाफा कमाएं, ये जानने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहता है। शेयर मार्केट को ही एकमात्र ऐसा जरिया है जहां एक छोटा अमाउंट भी बड़ा बनाया जा सकता है। पूरा रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो 1000 रुपया भी आज करोड़ रुपया टच कर चुका है, अगर 25 साल पहले कोई लगाया है। यहां से ही आपको लॉन्ग और बड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद होता है। शेयर मार्केट में पैसे लगाना लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान का सौदा नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पैसे कमाने के तरीके, जिन्हें समझकर कोई मुनाफा कमा सकता है। नंबर एक, नए इन्वेस्टर भी शेयर मार्केट में एक छोटी पूंजी के साथ निवेश कर सकता है। एकदम मामूली पूंजी आप 1000-2000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाजार में जैसे ही तेजी देखने को मिलती है, वैसे ही अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाता है। किसी अच्छे शेयर्स में आप लंबा निवेश कर काफी मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर दो, शेयर मार्केट का एक नियम यह भी है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप छोटे समय के लिए बाजार में पैसे लगाते हैं, तो इसके साथ ही आपके लिए जोखिम भी बढ़ता जाता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिले और जोखिम भी कम हो, तो आपको चाहिए कि आप लंबी अवधि के लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। लंबी अवधि का मतलब कम से कम 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, या इससे अधिक के लिए भी। लंबी अवधि यानी 3 साल 5 साल, अगर 10 साल के लिए आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है, देखिए आप बैक रिकॉर्ड्स देखते जाइए तो देखिए, वो सब इसमें इन्वेस्ट कीजिए तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। टाइम लगेगा लेकिन अच्छा रिटर्न दे जाएगा, लेकिन कम प्रॉफिटेबल कंपनी में रिस्क लेना मुनासिब नहीं है। नंबर तीन, इन्वेस्टर्स को सिर्फ अतिरिक्त फंड का ही निवेश करना चाहिए। कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो तो, नहीं तो आप लोन लेके किसी दोस्त से लेके कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। वे उस पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसे नियर फ्यूचर में नहीं चाहिए। समझे, आपके बैंक में पड़ा है, अभी नहीं चाहिए आपको, इमरजेंसी फंड के हिसाब से रखा है, उसको भी आप शेयर में लगा सकते हैं।
क्योंकि ये एकदम इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल सकता है बेचने के बाद। अनसर्टेनिटी के कारण छोटी अवधि में शेयर्स की वैल्यू घट सकती है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही सोच और मानसिकता की जरूरत होती है। यानी हम लोग कहते हैं ना, रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका थिंकिंग कैसा है। समझो आप 50,000 लगाया, उसमें से अगर 25 भी हो जाएगा तो आप रिस्क सहन कर सकेंगे, लेकिन 50 का 2,00,000 भी होगा तो आप खुशी से उसको और रीइन्वेस्ट कर सकेंगे। तो आपका रिस्क एपेटाइट यानी बहुत जरूरी है। नंबर 4, इन्वेस्ट कर देना ही काफ़ी नहीं, बाजार की खबरों का उतार चढ़ाव भी नज़र रखनी चाहिए। कोई न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो प्राइस कम होगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो बाजार में फैली खबर से भी शेयर्स की कीमतों पर फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए कमर्शियल वाहनों के लिए एक्सेल लोड लिमिट बढ़ने से अशोक लेलैंड के शेयर टूट गए। जो बस बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, उनके शेयर टूट गए। अच्छी कमाई शेयर्स की कीमत में उछाल ला सकती है। जैसा अभी देखिए, सब इलेक्ट्रिक गाड़ीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार व्हीकल आ रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस व्हीकल में क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लगेगा, जैसा बैटरी है, जैसा मैग्नेटिक जो कॉइल्स वगैरह है, लाइट्स है, तो उस पर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए फ्यूचर में इसका मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत डिमांड बढ़ने वाला है। नंबर 5, आप जिस भी कंपनी की शेयर में पैसे लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जरूर निकाल ले। अभी तो ऑनलाइन जाके आप कोई भी कंपनी का जानकारी इजीली निकाल सकते हैं, और यूट्यूब में जाएंगे तो आपको सलाह देने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही सलाह लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर का प्राइस कम देखकर उसे खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि जल्दी इसका कीमत बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर को 1 रुपया की कीमत में यह सोचकर खरीद लिया कि जल्दी इसका कीमत 2 रुपया हो जाएगी, तो आपको बता दे कि ऐसा नहीं है। आपको यह देखना ज़रूरी है कि उस शेयर की कीमत इतनी कम इसलिए भी हो सकती है कि उस कंपनी का वैल्यू बहुत ही कम है, कोई प्रॉफिट ही ना हो, या प्रमोटर्स के इनसाइडर्स में ही कुछ गड़बड़ हो। इसीलिए ऐसे शेयर खरीदने से बचे। शेयर की प्राइस देखकर नहीं बल्कि कंपनी के बिजनेस को देखकर इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा इन्फोसिस, मैंने उसको 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उसमें काफ़ी अमाउंट, तो तभी क्या इन्फॉर्मेशन और ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहा था, धीरे 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 इनका डिमांड बढ़ रहा था, तो 10-20 हज़ार का शेयर आज बहुत वैल्यूबल हो गया। जिसने इन्वेस्ट किया है आज करोड़ों में उनका रिजल्ट आ गया। नंबर 6, किसी परिचित परिजन या दोस्त की बातों में आकर बेकार कंपनियों में निवेश करना पैसे में आग लगाने जैसा है। जैसा कोई रास्ते चलते ट्रेन में जा रहे हैं, कोई दोस्त ने बोला या पैसेंजर ने बोला, अरे मैंने तो इसमें इन्वेस्ट किया, इतना पैसा हो गया, तो ये सब रिस्क से बचे। लोग निवेश कर रहे हैं इसलिए आप भी निवेश करेंगे, इस सोच से बचना चाहिए। लोगों ने दूसरों की देखा देखी कंपनी में निवेश किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी, मतलब बहुत बड़ा लॉस खाना पड़ा। बिना जानकारी या शेयर मार्केट के बारे में जाने बिना उसमें पैसे ना लगाए। अक्सर हम किसी के कहने मात्र से ही मार्केट में पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बारे में खुद अनुभव करना चाहिए। थोड़ा स्टडी कीजिए, बुक्स पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, तो आपको आइडिया आते जाएगा, या क्वेश्चन कीजिए अपने दलाल से। जैसे जैसे आपका शेयर बाजार में काम करने का अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपको खुद नुकसान और फायदे के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा भी आप IPO या म्यूचुअल फंड, इंट्राडे ट्रेडिंग और डेली ट्रेडिंग होता है, उसमें आप टेक्निकल चार्ट्स एनालिसिस भी स्टडी कर सकते हैं। यंगस्टर्स लोग तो आजकल एनालिसिस बहुत अच्छा सीख सकते हैं, तो 1 हफ्ते 15 दिन में आप चार्ट स्टडी करके भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
हैप्पी अर्निंग।